अरे किधर चली गई लड़की? बाबा मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मेरे हीरो को संभाल के रखिएगा, ये मेरे जीवन भर की कमाई है। ये बाबा चल बता जल्दी से, वो लड़की क्या देखी गई है? अरे बच्चा कुछ भी देखी नहीं गई है। अरे बाबा जी आप झूठ मत बोलिए डाकू जी, वो लड़की इनको हीरा देके गई। क्यों रे झूठ बोलता है? चल बच्चे तूने सच्चाई बताया है इसलिए तुम्हें छोड़ देते हैं। मुझे मार कर तो हीरा लेके जा रहा, लेकिन मैं इकरार देता हूँ जो भी उस हीरा को लेने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे ये तो कीमती हीरा हम लोगों के हाथ लग गया। हाँ लेकिन बहुत तेज भूख लगी है, एक काम करो तुम इसी हीरा को लेके यहीं पे रहो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। नहीं रुको, तुम इसी हीरे को लेके यहीं पे रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अरे ये अमृत है यही तोड़ लेता हूँ। कहाँ रह गया अभी तक नहीं आया? अरे इस हीरे के तो दो हिस्से करने पड़ेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसी पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ, जैसे ही वह कुछ लेके आएगा मैं उसको मार डालूंगा। अरे मेरा तो पेट भर गया, एक काम करता हूँ इन सारे अमृतों में जहर मिला के उसको खिला देता हूँ और वो मर जाएगा और सारा हीरा मेरा हो जाएगा। अरे कहाँ चला गया? ये तो मर गया। एक काम करता हूँ पहले मैं अमरूद खा लेता हूँ, उसके बाद ये हीरा लेके जाता हूँ। चलती हूँ अब उन बाबा के पास अपना हीरा ले लेती हूँ। अरे ये तो वही डाकू है जो मेरे पीछे पड़े थे, मेरा हीरा। चलो मुझे मेरा हीरा तो मिल गया। उन बाबा ने मेरे साथ बहुत गलत किया, ये हीरा उन डाकुओं को दे दिए थे। अरे बाबू इन बाबा को क्या हुआ? अरे मैडम जी उन्होंने आपका हीरा बचाने के लिए झूठ बोला और डाकुओं ने इनका मर्डर कर दिया। क्या इन्होंने मेरा हीरा बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी? मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, मैंने आपको गलत समझा। अरे मैडम जी लेकिन ये आप हीरा फेंक दीजिए, ये हीरा श्रापित हो चुका है। ऐसा क्यों बाबू, ये हीरा क्यों श्रापित हो गया है? बाबा ने मरते मरते एक श्राप दिया था कि जो भी ये हीरा लेगा उसकी मौत हो जाएगी। क्या ऐसी बात है?